हेलो दोस्तों, आज हम इकोनॉमी के क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एग्रीकल्चर से 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंटली कंडक्टेड एग्रीकल्चर सेंसस। पहला ऑप्शन है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग। सेकेंड है, द नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री हैज रजिस्टर्ड अ मार्जिनल इंक्रीज। थर्ड, द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इज हाइएस्ट इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो हमें पता चल गया कि इसमें सिर्फ सेकेंड ऑप्शन ही सही है। इसका एक सोल्यूशन है, वो पढ़ लेते हैं हम। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। द नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग इन द कंट्री, उन्होंने ऑपरेशनल होल्डिंग रजिस्टर्ड मार्जिन इंक्रीज इन 15 to 16 कम्पेयर टू 10 to 11 अकॉर्डिंग टू द 10th एग्रीकल्चर सेंसस। दिस मीन दैट देर आर मोर पीपल हु नाउ ऑन स्मॉलर पार्सल्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इट इज नॉट वर्थी दैट मार्जिनल स्मॉल एंड मीडियम लैंड होल्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द लायंस शेयर ऑफ ऑपरेटेड एरिया। लार्ज लैंड होल्डिंग्स अकाउंट फॉर ओनली 9% ऑफ द टोटल ऑपरेशनल एरिया। द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग हाइएस्ट इन नागालैंड 5 हेक्टेयर एंड लोवेस्ट इन केरला। तो साउथर्न पार्ट में पूछा गया था, ये सबसे हाईएस्ट है नागालैंड में 5 हेक्टेयर। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, हमें ये बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत चालू किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है, इट एम्फेसाइजेस टू एड्रेस द इंटरलिंक चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो देख लेते हैं, ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ इसमें सेकेंड ऑप्शन ही सही है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। इट इज द वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, नॉट द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप्स क्रॉप लैंड लाइफ स्टॉक फॉरेस्ट एंड फिशरीज दैट एड्रेस द इंटरलिंक चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज। समझ गए, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है मैनेजिंग लैंडस्केप्स को मैनेज करने के लिए। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रिगार्ड टू इंडियन एग्रीकल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 70% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स अराउंड 17% टू द कंट्रीज GDP। पॉपुलेशन प्रेशर इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 70% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयज मोर देन 70% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल वर्कफोर्स का 70% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयड प्रोवाइड करता है, ये इनकरेक्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय अबाउट 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया, कंट्रीब्यूट अराउंड 70% टू द कंट्री GDP। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो करीब 50% से के अप्रॉक्स टोटल वर्कफोर्स का 50% के अप्रॉक्स एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है और 70% कंट्री की GDP कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद रिगार्ड्स टू डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक के बारे में जानते हैं। DSR टेक्निक इज अ लेस लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ सोइंग द क्रॉप। एज पर स्टडीज मेथेन एमिशंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई 6% to 92% इन द DSR मेथड। इट इज़ अ वाटर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ सोइंग ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद पहला और दूसरा इसमें सही है। DSR टेक्निक इज अ लेस लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ सोइंग द क्रॉप। DSR में देखते हैं, अब ओवर 20% ऑफ द एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन इन पंजाब वॉज ब्रॉड अंडर द डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक, अ लेस लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ सोइंग द क्रॉप दिस खरीफ सीजन इन द स्टेटमेंट। तो पहला तो सही है, ये लेस लेबर इंटेंसिव मेथड है जिसमें कम से कम लेबर की मात्रा होती है। एज पर स्टडी मेथेन एमिशंस कैन बी रिड्यूस बाई 6% to 92%, ये भी सही है। इसमें मेथेन का जो एमिशन होता है वो 6 से 92% तक कम हो जाता है। ये वाटर इंटेंसिव टेक्निक सोविंग, ये वाटर लॉज फील्ड्स फ्रॉम नर्सिंग मेथड इन इंडिया लेबर रिड्यूस बाई 60% रिड्यूस वाटर कंजम्पशन। इसमें वाटर कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है तो ये वाटर इंटेंसिव टेक्निक नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें वाटर कंजम्पशन रिड्यूस होता है। तो थर्ड वाला हमारा गलत होगा, पहला दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सब्सटेंशियल राइज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द सेलेक्टेड क्रॉप्स मे लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। क्रॉपिंग पैटर्न इन सम एरियाज मे बी अल्टर्ड, डिक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट।
इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ दीज सेलेक्टेड क्रॉप्स बाय द फार्मर्स, क्रॉप इन सम एरियाज में भी अल्टर्ड। पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा कैसे सही है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है कुछ एरियाज में वो अल्टर्ड है। इन इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, इंक्रीज इन MSP ऑफ वीट एंड राइस वुड इनकरेज फार्मर टू ग्रो दीज क्रॉप्स एट द कॉस्ट ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर द अदर क्रॉप, सो द क्रॉपिंग पैटर्न विल अल्टर फेवरिंग द प्रोडक्शन राइस एंड वीट। इंक्रीज इन MSP इनकी द फिजिकल डेफिसिट, MSP में जब इंक्रीज होगा तो फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दी सिलेक्टेड क्रॉप बाई द फार्मर्स, ये सही है। इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना ही करना पड़ेगा, बर्डन का बर्डन बढ़ जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट सेट द प्राइस ऑफ 33 कमोडिटी टॉयज आई MSP फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। MSP फिक्स्ड हो जाएगा रिकमेंडेशन पे कमीशन की के लिए कि एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइजेस को मेंटेन रखे, तो इसमें पहला और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।